तुमने जो यहाँ पे फीस दी है वो फीस वसूल हुई कि नहीं हुई? मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारी 24 तारीख तक की क्लास है। कंप्लीट हो गई है सर, कब की देवरत्न अग्रवाल सर के जो क्लास थे वो खत्म हुए, तो हार्डवेयर का जो नॉलेज है इंडिया में मुझे नहीं लगता किसी पर्सन के पास होगा मोबाइल के बारे में। अगर फ्यूचर में भी कोई मोबाइल बन रहा है तो उसके ड्राइवर दिखाया जाए अभी से, तो बता सकते हैं कि ये है। तुमने जो यहाँ पे फीस दी है वो फीस वसूल हुई कि नहीं हुई? मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारी 24 तारीख तक की क्लास है। कंप्लीट हो गई है सर, कब की देवरत्न अग्रवाल सर के जो क्लास थे वो खत्म हुए, तो हार्डवेयर का जो नॉलेज है इंडिया में मुझे नहीं लगता किसी पर्सन के पास होगा मोबाइल के बारे में। अगर फ्यूचर में भी कोई मोबाइल बन रहा है तो उसके ड्राइवर दिखाया जाए अभी से, तो बता सकते हैं कि ये है। जो सबसे अच्छी चीज लगी आप? सीपीयू ब्लैक मैचेस निकालना। अच्छा, बहुत जबरदस्त लगी सर, इतना अच्छा से बताएं कि अब उस पर जब स्क्रैपर रखते हैं ना तो लगता है मक्खन के जैसे कट रहा है। मक्खन के जैसे कट रहा है इसे पकड़ना चाहिए, कितना हीट कितना एयर रहना चाहिए सब कुछ। और ईएमएमसी की अगर बात करूँगा ना, तो क्लास बोलने को दो वर्ड्स हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है, एक वर्ड एक एक वर्ड बोल के अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। चलिए अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरते सिंह है। गुरते जी कहाँ से हैं आप? मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। पंजाब से हैं, तो रियलमी के फ़ोन में आप ब्लैक टेस्टेड सीपीयू निकाल रहे हैं। कल पावर एस निकाला था आपने? एमएमसी आपने निकाला था? यस सर निकाले। प्रिंट गए थे? नहीं गए थे। नहीं बिल्कुल नहीं गया, और नहीं निकाला बिल्कुल नहीं गया। दूसरे दिन में ही आप सीपीयू निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया। अभी ब्लैक पेशेंट, इसके पहले कभी ब्लैक पेशेंट पे काम किया था आपने? नहीं सर बिल्कुल नहीं, नहीं किया था। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हार्ड लग रहा हो, रियलमी का फोन है तो हार्ड लग रहा हो? नहीं सर अभी नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? नहीं सर, ट्रिक्स बहुत बढ़िया दी है सर। ट्रिक्स मिले हैं आपको? यस। चलिए बहुत बढ़िया, निकालिए। क्या नाम है आपका? दीप वर्मा सर। दीप वर्मा जी कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं, तो बताइए आज आपका EMMC का कौन से दिन की क्लास है? EMMC का दूसरा दिन है। दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में ब्लैक पेशेंट पे काम कर रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है अभी? कल सर EMMC ब्लैक पेस्टेड था और आपका आज CPU है। CPU है तो निकाला आपने CPU? यस सर निकाल दिया। ये जरा प्रिंट गए नहीं गए? नहीं सर, NC भी नहीं गया। NC भी नहीं गया, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगा आज का ट्रिक जो सर ने आपको दिया है ब्लैक पेस्टेड निकालने सर, के लिए? बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। एक बार में पहले मुझसे NC भी निकल जाते थे और मेन लाइनें भी। अब ये है कि जो ट्रिक बताई है NC भी नहीं गया, फर्स्ट टाइम निकाला। कितना हीट रखना कितना एयर रखना बताया सर ने? ये सब पूरा पूरा बताया। तो सारा चीज़ फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। और प्रिंट ना जाने का रीज़न यही है कि आप जो बेसिक सर ने बताया बेसिक से लेके लास्ट तक आपको? यस सर। इसीलिए आपका कोई प्रिंट नहीं गया है? नहीं सर नहीं गया है। और क्लीनिंग में कोई दिक्कत आपको? कोई भी दिक्कत नहीं, क्लीनिंग करने जा रहे थे अब। करने जा रहे हैं, चलिए करिए, बताइए फिर। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? विक्की जी। विक्की 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 जी कहाँ से हैं आप? लखनऊ। लखनऊ से सर। लखनऊ से, तो बताइए क्या कर रहे हैं? CPU निकाल रहा हूँ, ब्लैक टेस्टेड। ब्लैक टेस्टेड CPU निकाल रहे हैं, तो कल आपने EMMC निकाला था? हाँ। कैसा लगा निकाल के ब्लैक पेस्टेड? बहुत बढ़िया। इसके पहले कभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम किए? कभी नहीं। नहीं किए थे? कभी नहीं। IC का कभी पहले काम किए थे आपने? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं किए ना। अभी आप कौन सा फ़ोन है ये? ये वीवो का है, तो डेड बोर्ड है ऐसे ही नॉर्मल। हाँ डेड बोर्ड है, वीवो का फ़ोन है। तो बताइए वीवो का पेस्टेड जो IC होता है क्या हार्ड होता है? क्या हार्ड तो होता है लेकिन अब नहीं रहा। अब नहीं रहा? अब नहीं रहा। जो ट्रिक आपको बताया गया अब नहीं रहा? हाँ अब ट्रिक पता लग गई, अब नहीं रहा। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आना चाहे तो? अरे बिल्कुल आए और सीख के जाए जल्दी। आसान है कि नहीं अभी ब्लैक पेस्टेड? बहुत आसान हो गया। आसान हो गया? अब हो गया, पहले अब हो गया। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, करिए दिखा दीजिए जरा उनका। बताइए क्या नाम है आपका? सर विजय नाम है। विजय जी कहाँ से हैं आप? UP से। UP से हैं, तो बताइए आज आपका EMMC का कौन से दिन का क्लास है? सेकंड डे का क्लास है। और बताइए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल हो रहा है? नहीं हो रहा है जी। हो रहा है। प्रैक्टिकल कौन डायरेक्ट सर कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं। खुद कर रहे हैं, तो आज आपका दूसरे दिन का क्लास है, प्रैक्टिकल में आपका साथ के साथ
जो थ्योरी होता है वो भी प्रैक्टिकल होता है, और जो ब्लैक पेस्टर पे बताया गया कि आप उसे ब्लैक पेस्टर पे भी काम कर रहे हैं, तो ब्लैक पेस्टर पे काम करवाया जा रहा है नहीं करवाया जा रहा है? थोड़ा तेज बोलिए सर। किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो अभी कोई प्रिंट गया नहीं गया है? नहीं, कोई प्रिंट। अभी आपने सीपीयू निकाला दूसरे दिन के क्लास में, ब्लैक पेस्टेड होगी जी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी। दो दिन में पॉसिबल है क्या कोई सीपीयू निकाल ले ब्लैक पेस्टेड? है ना पॉसिबल। कहाँ पॉसिबल है? एशिया टेलीकॉम। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आना चाहे तो? हाय बिंदास सर। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? चित्तरंजन सर। चित्तरंजन जी कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो बताइए कैसा लग रहा है अभी दूसरे दिन के क्लास में? बहुत अच्छा। ब्लैक पेस्टेड पे काम करके मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सर। पहले डर लगता था कि नहीं डर लगता? हाँ पहले बहुत डर लगता था। आईसी का काम पहले कभी किए थे? नहीं नहीं कभी नहीं किए थे। तो अभी आप दूसरे दिन में आप ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम कर रहे हैं, तो बताइए दिखाइए जरा। ये आपने EMMC कल निकाला था, ब्लैक पेस्टेड निकाला था, आज निकाला। बहुत क्लीन है। और सीपीयू दिखाइए। अच्छा बात करें आपका जो EMMC का साथ में थ्योरी और प्रैक्टिकल जो कराया जा रहा है, कराया जा रहा नहीं कराया? कौन से सीपीयू में कौन से सिक्योरिटी फाइल होती है, कौन कौन सी फाइलें फोन को चालू करने की जरूरत पड़ेगी, ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं? हाँ बताया गया। प्रैक्टिकल किए नहीं किए? प्रैक्टिकल किए। कौन किया प्रैक्टिकल, आप खुद से किए या सर करके बताए? नहीं नहीं खुद किए सर ने बताया है, हम खुद किए। चलिए ठीक है। किया ना आपने? हाँ किया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्ला जी गोवा से हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बताइए क्या चल रहा है? सर CPU चल रहा है अभी, ब्लैक पेस्टेड। ब्लैक पेस्टेड। इसके पहले कभी IC पे काम किया था अब्दुल्ला जी? IC पे काम किए थे सर, लेकिन ऐसा काम नहीं किया था इतना एडवांस के पता रहना चाहिए मुझे कि IC का फॉल्ट है कि नहीं है, ब्लैक पेस्टेड है तो फिर उसको ओपन करना है कैसे ओपन करना है। इसके पहले जब ब्लैक पेस्टेड देखते तो कैसा लगता था? ब्लैक पेस्टेड ऐसे ब्लैक पेस्टेड को नमस्ते कर देते थे, भैया हो गया ब्लैक पेस्टेड है, ऐसे ही पकड़ा देते थे। हाँ सर, क्योंकि पता नहीं था ना कैसे क्या करना है, उखड़ गए पिंस वगैरह, तो कस्टमर का सही फ़ोन है तो ख़राब। अब बताइए नॉर्मल आईसी में और ब्लैक पेस्टेड आईसी में कुछ दिक्कत? अब तो नहीं, अब नहीं। हाँ लेकिन डिफरेंसेस बहुत है, डिफरेंट आ गए हैं। तो बताइए क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आना चाहे तो? बिल्कुल सर आ सकता है, हैंड स्किल के लिए नॉलेज बहुत है यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में, नॉलेज बहुत है। क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के टीचर्स के लिए? नहीं सर जितना बोलेंगे कम है, सपोर्ट करते हैं पूरा, क्या प्रॉब्लम है कैसा है पूरा देखते हैं क्या करना है। अगर कोई डाउट हो स्टूडेंट को तो क्या ऐसा होता है क्या कि मतलब डाउट छोड़ के क्लास को आगे बढ़ा दें? मिलन सर हमारे कोई भी सर हैं अभी क्लासेस करते हैं ना, तो बाद में वो बोलते हैं पूछो है कुछ डाउट कुछ है तो पूछो, मुझे पता होना चाहिए कि तुमको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। चलिए अब बताइए जरा CPU जो आपने निकाला है दिखाइए, प्रिंट गया नहीं जी? बताइए। NC गया सर। NC गया है। और बात करें क्लीनिंग प्रोसेस की, तो क्लीनिंग प्रोसेस का क्या कैसा रहा आपका? क्लीनिंग प्रोसेस ज़बरदस्त है सर ने बताया है किस तरह से, कितना एयर रखना है, कितना हीट रखना है, कितने देर तक आपको देना है, सब सारी चीज़ सर ने बताई है। कितने में ख़राब हो जाएगा कितने में बचेगा एवरीथिंग। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरशद है। अरशद जी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो आप बताइए क्या करना है सर? CPU चल रहा है ब्लैक पेस्टेड। ब्लैक पेस्टेड CPU चल रहा है तो सर, कोई प्रिंट गया नहीं? नहीं सर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इनका CPU निकला हुआ है और CPU का ये सक्सेस है। तो अभी आप बताइए सर, अभी जो ब्लैक पेस्टेड IC है या फिर व्हाइट पेस्टेड आपको IC दे दिया जाए या ब्लैक पेस्टेड दे, लगेगा क्या आपको व्हाइट पेस्टेड है ब्लैक पेस्टेड? नहीं सर इंशाल्लाह नहीं लगेगा। अब उसको पेस्टेड जो पहले डर था ना सर, जब सर इस यहाँ से आने से पहले मैंने एक बार ट्राई किया था पावर पे किया था, वो भी ब्लैक पेस्टेड। जब मैंने ट्राई किया था ना तो कम से कम सर उसके 10-20 तो बॉल चले गए थे जो मेन थे, तब से फिर मैंने वो रख ही दिया था क्योंकि मैंने सोचा ये अपने काम करें अपन किस लेवल की नहीं है। जब ये ऐसा हुआ था मतलब अब यहाँ पर आने के बाद सर, हाँ अब यहाँ पर आया सर तो मैंने MMC भी निकाला और CPU भी निकाला ब्लैक पेस्टेड, तो एक भी बॉल दोनों के नहीं गए सर, देख सकते हैं देख सकते सर यहाँ पर। कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड का काम? सर एकदम बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं? बिंदास आ सकते हैं सर यहाँ पर, नहीं गया अगर आपको कोई भी डाउट हो यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिंदास आ सकते हो, यानी यहाँ पर सिखाने का बताने का सब प्रैक्टिकल सब कुछ बढ़िया है सर,
क्योंकि सर मुझे खुद को 6 साल हो गए इस फील्ड में, तो यानी कोई नया भी होगा, फ्रेशर भी होगा, वो भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्रेशर भी है, तो यानी बहुत कुछ मिलेगा सर। पैसा वेस्ट नहीं जाएगा उनका? ना सर, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, भरोसा करके चला रहा हूँ इससे पहले, मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, यानी इसके ज़्यादा भी फी रही ना, यानी ज़्यादा भी पैसे गए यहाँ पर तो भी चल जाएगा सर, पर पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कर्नाटक जी? सर कर्नाटक से हैं। यस सर। तो बताइए क्या कर रहे हैं अभी? ग्लू पे क्लीन कर रहे हैं। ग्लू क्लीन करना है तो वही वीवो के फ़ोन पे जो आप ग्लू क्लीन कर रहे हैं, आपने जो सीपीयू निकाला हुआ है सर, देख सकते हैं कि इन्होंने सीपीयू निकाला हुआ है। तो कोई प्रिंट गया है कर्नाटक जी? नहीं सर। हाँ नहीं सर। अभी आपका EMMC का कितने दिन का क्लास हुआ? इधर देखिए जरा। 2 दिन। 2 ही दिन हुए, और 2 दिन के अंदर आपने ब्लैक पेस्टेड EMMC भी निकाला और ब्लैक पेस्टेड CPU भी निकाला। तो कोई प्रिंट गया आपका? नहीं सर। कल कैसा रहा 2 दिन का क्लास आपका? बढ़िया सर। बात करें अगर EMMC का जो क्लास चल रहा आपका, UFI का, तो जो सर ऐसा नहीं बस थ्योरी पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिकल ना बताते हैं? नहीं सर, प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल करता कौन है सर? प्रैक्टिकल कौन करता है? आप करते हैं सर? करते हैं। आप करते हैं। तो हिंदी का बहुत प्रॉब्लम है कर्नाटक जी को, कर्नाटक से हैं जो। तो ठीक है, कैसा रहा अभी तक का सफ़र आपका? बढ़िया। हार्डवर्क से लेके आपका EMMC तक का कैसा रहा? सुपर सर। सुपर। कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे कर्नाटक से आना? बिल्कुल आ सकता है सर। पैसा वेस्ट नहीं जाएगा? नहीं सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। इम्तियाज जी बताइए कहाँ से हैं आप? हमें उड़ीसा से। उड़ीसा से हैं। तो आज बताइए EMMC का कितने दिन का क्लास हुआ? आज से दूसरे दिन का क्लास हुआ। तो आपको थ्योरी हुई? जी सर, थ्योरी हुई। किसके साथ हुई आपकी? मिलन सर के साथ। मिलन सर के साथ हुई है। तो बताइए जो मिलन सर के साथ जो क्लास हुआ है वो आप प्रैक्टिकल में किए नहीं किए? जी बिल्कुल प्रैक्टिकल में किए हैं। कल भी प्रैक्टिकल में हुआ था, आज भी प्रैक्टिकल में, अभी भी हो ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सर थ्योरी बता देते हो और प्रैक्टिकल ना करवाते हो? आप जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो देख सकते हैं, उधर 1 TV है, इधर 3 TV है सर, वहाँ पे काम करते हैं और सब हम लोग बैठ करके एकदम, मतलब जहाँ से TV दिखाई दे सब एक एक स्टेप किट, इसको कैसे पकड़ना है, हीट कितना देना है, सोल्डरिंग आयरन कैसे पकड़ना है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखा करके हम लोग को बताते हैं, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके दिखाते हैं कि कैसे करना। सर जो ट्रिक आप लोगों को बताते हैं, ऐसा नहीं कोई ट्रिक बताने में छुपा लेते हो अपने लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल खुल के बताते हैं, पूरा खुल करके सब। यहाँ पे स्कोप लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, सारा TV में चलते रहता है। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट को कहते हैं थोड़ा सा हमसे दूर बैठो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दूर बैठा देते हो सर को, सर स्टूडेंट को, ऐसा कहीं कोई हमारा ट्रिक ना देख जाए? ना ना ऐसा कुछ नहीं, सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक सर बता देंगे, सब कुछ बताते हैं सर। चलिए बताइए जरा कि आपने CPU जो निकाला ब्लैक पेस्टर, कोई प्रिंट गया? आप देखो देख सकते हैं, एक भी प्रिंट नहीं गया। एक भी प्रिंट नहीं गया? एक भी नहीं। 2 दिन के अंदर आपने जो ये काम किया है, आपको EMMC से लेकर CPU तक उतार दिया जो ब्लैक पेस्टर बोलते हैं? एक आपको ये बता रहे हैं, 2-4 महीना पहले हम एक CPU गर्म हो रहा था एक सेट में, तो फिर हम देखे कि गर्म हो रहा, समझ में आ गया कि ये चेंज करने से हो जाएगा। पास के दुकान से हम CPU भी ले आए, 4-5 YouTube वीडियो देखे कि इसको कैसे निकालना है। निकालने के बाद कम से कम 40 या 50 मेरा ट्रैक उड़ गया था। 40-50 ट्रैक उड़ गया। और आज अब दूसरे दिन में ही? आज दूसरे दिन में एक भी नहीं उठ निकाल दिया, एक भी नहीं गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका 2 दिन के क्लास की? बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आना चाहे उड़ीसा से? बिल्कुल आए, ऐसा नहीं बस उड़ीसा से ही आए, पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी आओ भाई, आ सकता है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रेम जी कहाँ से हैं? सर मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। काशीपुर उत्तराखंड से? अरे भैया उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी दूर से आप आए हैं। बताइए आज आपका कौन से दिन का क्लास है? EMMC की बात कर रहे हैं। सेकंड डे सर, कल हमने दूसरे दिन की क्लास है आज आपकी है सर। आज EMMC प्लस CPU था, मॉर्निंग में सर EMMC निकाला, आज उसी फ़ोन का सर CPU निकाला। तो आपने जो EMMC कल निकाला था बताइए ना, खराब हो गया कि मतलब? नहीं सर, NC के ही वो पॉइंट कनेक्ट हुए, उनकी कोई वैल्यू रहती नहीं। UFI में डिटेक्ट किया आपने सर? हाँ सर, UFI में करा था ना सर, मेरा था, मेरी जो मैं अपने वीवो का बोर्ड लाया था उसका ही 32 GB चेक करा था उसका। मतलब EMMC आपकी बेस्ट, मतलब अच्छे से उतर गई थी, डैमेज नहीं हुई सर? डर लग रहा था कि ख़राब नहीं हुई, फिर जब UFI पे चेक करा तो सर ओके था सर। सर ने मतलब जो ट्रिक बताया आपको निकालने का, कितना एयर रखना, कितना हीट रखना, कितने देर तक कहाँ मारना है, सारी चीज़ें सर ने बताया? सर बताया भी है सर, फ्यूचर के लिए हम अपने पास रिकॉर्ड भी कराए कि कभी प्रॉब्लम आए, जैसे कभी कभी हो जाता है। कॉपी में सर लिखवाते हैं? सर थ्योरी चलती है, प्रैक्टिकल चलता है, सब एकदम बेस्ट सर। चलिए बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आना चाहते? सर आए सर, मोस्ट वेलकम है सर। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? नहीं सर। कोई ऐसा नहीं है कोई डाउट आप रख के बैठे हो सर? ऐसा ना सर,
ऑप्शन बहुत है सर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईएमसी सर, तीन चार स्टेप है तो सर स्टेशन सब कहाँ दूर दूर तक सर कहीं से कोई बेस जाना नहीं है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। पॉइंट वाली बात ना सर, समझने वाले समझ जाएंगे। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नाम है सरफराज जी? सर कहाँ से हैं बताइए? यूपी। हाँ हाँ, यूपी से हैं। तो बताइए कितने दिन की क्लास हुई आपकी एमएमसी की? एमएमसी सर आज दूसरे दिन की क्लास। दूसरे दिन की क्लास हुई है, तो कैसा रहा दो दिन का क्लास? और आप? दो दिन का क्लास एकदम बेस्ट। बेस्ट। कल क्या किया था आपने? कल ये एमएमसी आईसी निकाल कर रिवॉल्व करके उसको चेकिंग पूरा। नॉर्मल आईसी था या पेस्टेड था? पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड। इसके पहले पेस्टेड आईसी पे काम किया था आपने? ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम नहीं किया था, नॉर्मल। तो कैसा लगा अभी आपको ब्लैक पेस्टेड आईसी पे काम करके? बहुत अच्छा, अब आगे से और भी अच्छा कर पाएंगे। हीट एयर कितना रखना है ये सर ने बताया आपको? सब पता है कब क्या हीट रखना है, एयर कितना, एयर रखना है, कितना सीपीयू रखना है, कितना ईएमएमसी पे रखना है, कितना पावर पे रखना है, सारी चीज़ें बताई आपको सर? सब सब। और बात करें क्लीनिंग प्रोसेस की, तो बोर्ड सॉफ्ट हो गया है, ये आईसी क्लीन कर रहा हूँ। कोई प्रिंट गया नहीं गया आपका? एक भी नहीं। एक भी नहीं गया ना सीपीयू का ना ईएमएमसी का? नहीं किसी। तो ईएमएमसी आपने डिटेक्ट किया था जी? सही निकला था या खराब निकला? सही निकला। कैसे पता चला कि सही निकला है? चेक किया हूँ, सही निकला है, अभी बॉक्स में लगा हुआ है। ये देखिए प्रोग्रामिंग करना है। चलिए ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अरे वाह बहुत बढ़िया। ऐसा बस आपने ही किया है कि बाकी स्टूडेंट ने भी किया है बताइए? बाकी स्टूडेंट सब ने किया है, किसी का नहीं बचा। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई आना चाहे तो? कोई आना चाहे तो आ सकता है बिंदास। पैसा वेस्ट नहीं जाएगा? नहीं वेस्ट नहीं जाएगा। क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? एशिया टेलीकॉम इज द बेस्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। बताइए जरा कहाँ से हैं आप? मैं सूरत गुजरात से हूँ। चलिए आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आप अपने मन से बताइए, आपसे हम कोई सवाल नहीं करेंगे। बताइए कैसा रहा दो दिन का क्लास? बस बढ़िया। अगर ब्लैक पेस्टेड में बंदे फंस रहे हैं, सीपीयू के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है या फिर हार्डवेयर के बारे में नहीं है, फिर भी कोई आना चाहता है और करियर बनाना चाहता है अगर मोबाइल रिपेयरिंग में, तो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार टीचर है, अलग अलग सबका नॉलेज बेस है, पर्टिकुलर एक बंदा नहीं है जो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रहा है, और सबका माहिरत किसी एक में नहीं होता है, तो सारी चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट सर से मिलेगी और उससे आप बढ़िया सीख पाएंगे और आपका करियर बना पाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं? नए स्टूडेंट मोस्ट वेलकम है एशिया टेलीकॉम में। ऐसा नहीं आ रहे और उनका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं पैसा वेस्ट नहीं होगा, बट मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर आप सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक और शाम को जो होमवर्क मिलता है वो कर पाने के काबिल हो, दिन रात गुंजाने के 30 दिन के लिए काबिल हो तो ही आओ, अदरवाइज आपका पैसा वेस्ट है, आपका समय वेस्ट है। चलिए कितने बजे रात में सोते हैं? 12 बजे। 12 बजे सोते हैं? मोस्ट वेलकम है गुजरात में, गुजरात से कोई भी आना चाहता है तो बेफिक्र आइए, क्योंकि भाई जे अहीं शीखवाड़े जे वो कोई जगह शीखवाड़े नहीं तमने, अने जे ब्लैक पेस्टेड बधी वस्तु छे रमत लागशे तमने, કેમ કે તમે ક્યારેય સીપીયુ નહીં ઉખાડેલું હોય તો ઉખડી જશે આરામથી 2 સેકન્ડની અંદર, બરોબર છે? આવી જાય ચાલીએ થી થેન્ક યુ સફીઉલ રહેમાનજી સર બતાઈએ સર બ્લુ કાટ રહે હૈ સર બ્લુ કાટ રહે હૈ આજ આપકી દૂસરે દિન કી ક્લાસ હૈ બતાઈએ કોન સે ફોન પે આપ બ્લુ કાટ રહે હૈ જરા બતાઈએ યે વિવો કા હૈ સર વિવો કા ફોન હૈ લોગ કહેતે હૈ કી ઓપ્પો કા વિવો કા वन प्लस का जो ग्लू होता है बहुत हार्ड होता है सफीउल जी। सर ये तो हार्ड होता था हमको भी पता है, लेकिन सर ने जो ट्रिक दिया है गजब का है। तो आज दूसरे दिन में आप, पहले दिन में आपने एमएमसी निकाला, दूसरे दिन में आप सीपीयू निकाल रहे हैं जी। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि दूसरे दिन में कोई ब्लैक पेस्टेड सीपीयू निकाल रहे? पॉसिबल नहीं है सर, यहाँ पॉसिबल है सर, जो बता रहे हैं एक एक ट्रिक ये एकदम बिंदास निकलेगा, दिमाग में जा रहा नहीं जा रहा है, बहुत अच्छे तरह से घुस रहा है सर। चलिए, और कॉपी में लिखवाया जा रहा है? नहीं लिखवाया, एकदम कॉपी तो ऊपर रखा हुआ है, कॉपी पे लिखवाया जा रहा है। तो बताइए जो आपका क्लास हो रहा है ऐसा नहीं बस थ्योरी करवाया जा रहा है और प्रैक्टिकल ना करवाया जा रहा है? थोड़ी
प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया जा रहा है। प्रैक्टिकल ज़्यादा करवाया, अगर आपको कोई देख रहा है आपको, अगर आपको देख के कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे? बिंदास आ सकते हैं सर। आ सकते हैं एकदम, ऐसा नहीं उनका पैसा वेस्ट हो जाए, आपकी बात पे भरोसा करके उनका पैसा वेस्ट नहीं जाए। नहीं नहीं एकदम वेस्ट नहीं जाए। नहीं एकदम। क्या बोलेंगे यहाँ के टीचर्स के लिए? थैंक्स। सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते सर? सपोर्ट तो इतना करते हैं कि हम लोग उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नाम बताओ। क्या नाम है? मोहम्मद जैन अख्तर सर। जैन जी कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल से। साथ में आए थे? नहीं दोनों साथ में हैं सर। दोनों लोग साथ में हैं? एक ही जगह का है, दोनों एक ही जगह। अच्छा ऐसा नहीं इनके साथ आप जाने के बाद कंपटीशन करने वाले हैं? नहीं सर कंपटीशन वाला कोई बात नहीं। कंपटीशन नहीं करने वाले हैं। तो बताइए कैसा रहा अभी आपका हार्डवेयर से बात करें 27 तारीख से लेके आज आज आपकी 16 तारीख है और 27 से लेके 16 के बीच में आपका कैसा रहा सर? हम तो कभी सोच के नहीं आए थे कि यहाँ आके उतना सीख पाएंगे, लेकिन यहाँ आके हमको जितना मिला है तो बोलने का कोई लायक ही नहीं है सर। कुछ बोलने के लिए शब्द है आपके पास? क्या बोलना चाहेंगे इसे टेलीकॉम? बोलेंगे कि सर हम चाह रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आके कोई ज्वाइन करे और इससे बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में है नहीं। तो आज आपने क्या किया बताइए सर? मैंने तो पहले सबसे फर्स्ट में ब्लैक टेस्टेड पीसीबी से मैंने आपका ईएमसी रिवोल किया और दूसरा अभी सीपीयू रिवोल कर रहा हूं। तो ब्लैक टेस्टेड निकालने में अभी कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत तो नहीं हुई लेकिन बहुत अच्छा से निकाले। ईएमसी सारा आपने पेस्टेड क्लीन किया? जी सारा पेस्टेड जी पेस्टेड भी किया। पेस्टेड आईसी निकालने के लिए कितना एयर रखना है, कितना हीट रखना है सर? बता दिया सर ने हमको, बता नहीं सकते लेकिन सिस्टम हिसाब से तो जो बताया लेकिन अच्छा ही बताया, अच्छा भी मिला है। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं? बोलेंगे कि आइए एशिया टेलीकॉम और यहाँ आके ज्वाइन कीजिए। पैसा वेस्ट नहीं जाएगा? नहीं सर पैसा नहीं जाएगा। भरोसा है? पूरा भरोसा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कमल सोनी जी। हाँ कहिए। बताइए कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं बताइए क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम जल्द से जल्द आइए और सीखिए और आगे भी इससे खतरनाक सीपीयू आने वाला है, अगर यहाँ नहीं आइएगा तो पीछे रह जाइए। पीछे रह जाइएगा तो सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं सर, मेरा हाथ में यहाँ पकड़े हुए ब्लैक पेस्टेड को रिवोल कर रहे हैं हम। ब्लैक पेस्टेड आईसी आपने निकाला है, क्या निकाला? सीपीयू निकाला कि ईएमएमसी निकाला? सीपीयू निकाले हैं। सीपीयू आप रिवोल कर रहे हैं कौन से एक्सटेंशन में कर रहे हैं बताइए जरा? यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में कर रहे हैं? पॉसिबल है क्या यूनिवर्सल में आप सीपीयू रिवोल कर लें? एशिया टेलीकॉम में तो पॉसिबल है, बाहर हो कि ना हो वो जाने। एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है आपको, मतलब बेसिक से बताया गया इसलिए आप यूनिवर्सल में आप सीपीयू रिवॉल्व कर पा रहे हैं। तो बताइए कैसा रहा अभी आपका 27 तारीख से लेके आज 16 तारीख हुआ आपका, कैसा रहा 27 से लेके? बहुत मस्त रहा, मोबाइल के लाइन में अब हम जवान हो गए हैं, किसी भी काम कर सकते हैं अच्छा से, पहले बच्चे थे। एक एक चीज हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके आपका ईएमएमसी स्टेप बाय स्टेप जो आपको बताया गया है कैसा रहा ऐसा सफर आपका? बहुत मस्त सफर रहा सर, भी बहुत अच्छा से कॉपरेट करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट जो आना चाहते हैं यहाँ? बोलेंगे बिल्कुल आइए, आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा और दूसरा जगह जाने से पैसा उसका व्यर्थ हो सकता है। हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि ओप्पो का वीवो का जो बोर्ड होता है ना वो हार्ड होता है, वन प्लस का बोलते हैं हार्ड होता है, ऐसा लगता है क्या? पहले तो लगता था हार्ड लेकिन अब तो लगता है मलाई के जैसा, उसको छुएंगे निकालेंगे। आईसी को जो पेस्ट लगा हुआ था उसको मलाई समझ के मजा सब निकल रहा है, मजा भी आ रहा। तो कैसा लग रहा है अभी आप? कोई प्रिंट गया कि नहीं गया आपका? आईसी का देख भी प्रिंट नहीं किया, ऐसे बोर्ड में तो एनसी जो रहता है तो थोड़ा बहुत मिसमैच हो। तो एनसी कैसा रहता है सर ने बताया कि मतलब ये एनसी होता है, कैसे पता चलता है कि एनसी है? पूरा डिटेल बता दिया, डायग्राम है मेरे पास, हम उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी कहाँ से हैं आप? बिहार से। तो जरा बताइए, बोर्ड दिखाइए जरा, ये कौन से कंपनी का बोर्ड है जरा बताइए? ओप्पो A3S का है। तो लोग कहते हैं ओप्पो होता है, वीवो होता है, रियलमी होता है जो, और वन प्लस होता है, ये सब सारा हार्ड पेस्टेड होता है, निकालने में कोई दिक्कत आती है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं। तो जरा दिखाइए, आपने क्लीनिंग किया? हाँ अभी क्लीनिंग प्रोसेस में है। आप क्या किस चीज़ का क्लीनिंग कर रहे हैं, सीपीयू का कि बोर्ड का? अभी सीपीयू का कर रहे हैं। ये आपने कल इसका ईएमएमसी निकाला था? यस। कोई बॉल गया था क्या? नहीं ईएमएमसी भी नहीं गया। तो क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं? बिल्कुल आए, पैसा वसूल, पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा उनका? नहीं नहीं पैसा वसूल करके जाएगा, पैसा वसूल करके जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पप्पू जी। कहिए सर। बताइए, बिहार से हमारे पप्पू जी, दिखाइए जरा अपना शक्ल, दिखाइए बिहार से आपको लोग देख रहे हैं, चेहरे की जो इनके चेहरे की चमक है देख सकते हैं,
चेहरे की चमक इनको बता देगी कि कैसा खुश है कि नहीं है। बताइए, दो ही दिन का क्लास जो हुआ है आपका कैसा रहा? खुश है सर। हार्डवेयर से लेके बात करें, आपकी एमएमसी तक का सफर कैसा रहा? जो मेरा अंदर का जो भ्रम डॉट था वो मेरा आज क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो बताइए, जो आपको देख के आना चाहता है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिंदास आवे, आने का मकसद है यहाँ मेहनत करे, तभी जाके सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो बताइए, चलते की सर देख सकते हैं वीवो का बोर्ड है। हाँ, वीवो का, वीवो का ये जो बोर्ड है देख सकते हैं आप। हाँ, ऐसे भी क्लीन कर रहे हैं। ये कोई प्रिंट गया क्या आपका इसमें से? नहीं, एनसी केबल गया है। एनसी गया है। और बात करें आपकी स्क्रैच, ये आईसी में स्क्रैच आई है क्या? नहीं। क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। क्लीनिंग प्रोसेस में कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है, कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है, सर ने बताया आपको? सर टोटल बता दिए। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए? आवे बिंदास, और कोई टेंशन नहीं है। अगर ऐसा ऐसा ट्रिक दिया जाता है, अभी हम लोग तो ब्लैक पेस्ट को छूने भी नहीं चाहते, अभी तो लगता है कि उस साल के बराबर हो गया। पहले डर लगता था ब्लैक पेस्टेड का नाम सुनते? ब्लैक पेस्टेड की हमको ऐसी कलमे नहीं करते थे, छूते ही नहीं थे, छूते नहीं। और आप क्या करने वाले हैं? आप तो ऐसी तो भुंजा की तरह जो है सो चिबा जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। विजय जी। हाँ जी सर। कहाँ से हैं? हरियाणा से सर। हरियाणा से सर। हरियाणा से। जरा अपना बोर्ड दिखाइए, आपका बोर्ड कौन से कंपनी का है? वीवो का सर। वीवो का है, तो एक बार बताइए, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, वन प्लस का जो बोर्ड होता है, हार्ड होता है सर? लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता है। यस सर। अभी ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं, आराम से फट गया सर। आराम से हो गया। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आएंगे तो कुछ सीख के जाएंगे, नहीं तो क्या है? ऐसा नहीं पैसा वेस्ट हो जाएगा ना? वेस्ट कहाँ होगा सर, सीख के जाएगा, पैसा पूरा हो जाएगा उनका। ग्लू क्लीनिंग में कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई नहीं सर। सर ने कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है, सब बता दिया सर। सब बताया सर। कौन सा टूल यूज करना है, कौन सा स्क्रैपर यूज करना है, आपको सारी चीज़ें बताई हैं? सब बताया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बढ़िया सर। क्या नाम है? सुमन। बड़ा तेज बोलिए सुमन जी। सुमन खत्री। कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। मणिपुर से? मणिपुर से हैं। तो बताइए, ईएमएमसी का आज कौन से दिन का क्लास है आपका? आज सेकंड दिन। सेकंड दिन के क्लास में आपने क्या निकाला? सीपीयू सर। सीपीयू। पहले दिन में क्या निकाला था? ईएमएमसी। कोई प्रिंट गया था क्या? नहीं। कितना हीट रखना, कितना एयर रखना, सर ने बताया? हाँ सर। अगर कोई प्रिंट चला जाता तो सर ने उसका तरीका बताया कि ये प्रिंट एनसी है या फिर लाइन का है? बताया? कैसा लग रहा है अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम करके आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई मणिपुर से आना चाहे तो? कोई आना चाहे तो बिंदास आए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, आना चाहिए। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, 10 दिन में पूरा, 10 दिन में ही पैसा वसूल हो जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रीमान छेत्री है, मैं मणिपुर से हूँ। श्रीमान जी, तो आप मणिपुर से हैं, तो बताइए आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ एमएमसी का? हमारा एमएमसी का सर दूसरे दिन का क्लास है। दूसरे दिन का क्लास है? हाँ सर। तो दूसरे दिन के क्लास में आपने क्या किया, जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैंने सर आज सीपीयू निकाला, ब्लैक पेस्टेड। ब्लैक पेस्टेड आपने जो सीपीयू निकाला है, तो दिखाइए जरा अपना ब्लैक पेस्टेड जो सीपीयू निकाला है आपने। जी सर, इसका ग्लू कटिंग हो रहा है। ग्लू कटिंग कर रहे हैं आप, तो क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, इतना बढ़िया क्लीनिंग प्रोसेस। और बोर्ड दिखाइए जरा, बोर्ड। बोर्ड इसमें कल एमएमसी निकाला था, एक में अभी सीपीयू। तो जो आपने एमएमसी निकाला था है ना, उसका ईएमएमसी मतलब सही निकाला था या खराब से निकाला था आपने? सर सही निकाला था। कोई प्रिंट गया था क्या? नहीं सर, प्रिंट नहीं गया। अभी आगे अगर ऐसा नहीं है कि पहले दिन में आप जो कर रहे हैं आप आगे ना कर पाए? सर ऐसा है, अभी जैसे मैं पहले जो दूसरा बिना ब्लैक पेस्टेड का जो नॉर्मल सीपीयू आईसी निकाल रहा था, उस टाइम मुझे थोड़ा सा मतलब में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आगे क्लियर हो गया था। मुझे डर लग रहा था कि ब्लैक पेस्टेड में शायद मुझे फिर और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इतना आसान कर दिया सर ने कि क्या बताएं सर, बहुत जल्दी निकल गया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपसे बुलवा रहा हूँ? नहीं नहीं सर, मैं अपना खुशी से बोल रहा हूँ। आप खुद का फीडबैक दे रहे हैं, आप भी किसी का जो फीडबैक देते आए थे तो वो सही था या गलत था? एकदम सही था सर। सही था, तो आप उस मतलब जिसका फीडबैक आप देख के आए थे, आज आप खुद अपना फीडबैक जो दे रहे हैं है ना, तो अभी आपको देख के अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उसके लिए? सर अगर कोई ऐसे कोई मोबाइल सीखना चाहते है, मतलब जो चिप लेवल तक के है, तो अगर दूसरा इंस्टीट्यूट में ना जाकर यहाँ आ गए तो मतलब उसका जो रिजल्ट है मतलब 120% हो जाएगा। 100% उसको रिजल्ट मिलेगा? 100 से ज़्यादा मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आए और उसका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं 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 सर, अब इतने हम लोग सारे का वेस्ट नहीं हो रहा, तो उसका अकेला थोड़ी वेस्ट होगा सर। क्या बोलना चाहेंगे अगर जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं? अगर नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो यहाँ पे मतलब
जितने भी मतलब यहाँ पे जो जैसे एमएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बढ़िया है क्योंकि ये सबसे अभी मार्केट में सबसे दिक्कत की काम है ये। इसमें तो मतलब इतना सा रिजल्ट मिलेगा, फ्रेशर को भी मतलब यहाँ पे पूरा मतलब मास्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कहीं आपको डाउट हो जाता है और डाउट में आपको छोड़ दिया जाता हो? नहीं नहीं सर, यहाँ पे अगर 1000 बार भी अगर पूछ लेंगे, और हम पूछते भी है सर, और सबसे ज़्यादा तो मैं पूछता हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब इतना प्यार से समझाते हैं, और एक ट्रिक है, टेक्निक है सर कि जैसे अभी मैं बता दिया कि ब्लैक पेस्टेड मुझे इतना आसान से निकाल दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले डर लगता था ब्लैक पेस्टेड पे काम करने के लिए आपको? सर मैं तो सोच रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा सर, कर नहीं पाएंगे, पहले ऐसा लगता था। ऐसा लग रहा था। अब क्या लग रहा है? अब सर बहुत खुश हूँ सर। चलिए ठीक है, अगर आपको देख के कोई आना चाहता तो क्या बोलेंगे उसके लिए? मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे जरूर आ जाए सर। आ जाए, बहुत लोग मन में सोच रहे हो कि कहाँ जाए आए, लेकिन बिना कुछ सोचे यहाँ आ जाए सर। आ जाए? हाँ जी। भरोसा कर सकता है कोई आपको? पक्का सर। पक्का? नहीं तो मेरा जमीन अब उनका नाम कर दूंगा सर अगर। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि अपनी जमीन आपने आपके नाम कर देंगे अगर वो काम सीख के हाथ नहीं गया तो। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बोल बोला है सर। बोला हाँ सर। क्या नाम है? रवि। रवि महाराष्ट्र से? यस सर। बताइए क्या किया आपने? आज सीपीयू किया सर, आज एमएमसी किया। इधर देखिए जरा कैमरे में अपना स्मार्ट शक्ल दिखाइए और स्मार्ट स्टूडेंट जो है उनको भी बताइए कि क्या सर आपका दो दिन का एमएमसी का क्लास चला? बहुत बढ़िया। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया आपने? यस सर। कर दिया सर। कर दिया? हाँ। अभी बताइए अभी जो शाम का जो क्लास है आपका प्रैक्टिकल आईसी ब्लैक पेस्टेड निकालने का जो क्लास है आपका? हाँ सर। तो आपने निकाला ब्लैक पेस्टेड? निकाला सर। निकाला? कोई प्रिंट गया? एक भी नहीं गया। एक भी नहीं गया? झूठ तो नहीं बोल रहे? देख लो सर। देख लो भैया सही बोल रहे हैं। बोर्ड दिखाइए जरा, बोर्ड दिखाइए हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, तो देख सकते हैं इनका एक भी प्रिंट नहीं गया। वाह वेरी गुड। क्या बोलना चाहेंगे? दो ही दिन के क्लास में आपने सीपीयू निकाला ब्लैक पेस्टेड। हम अभी क्या बोल सकते हैं मिलन सर को। कैसा रहा यहाँ के जो टीचर जो हैं यहाँ के? हम बात करें देव सर की, बात करें दुर्गेश सर की, बात करें एमडी सर की, सारे टीचर्स यहाँ के कैसे हैं? अभी क्या बोलना सर, अभी बोल नहीं सक रहे, उतना है दिल में, है ना? बहुत बढ़िया है सर। सपोर्ट मिलता है एकदम? अगर ऐसा कोई आपको कहीं डाउट हो जाता है तो डाउट के लोग क्या आपको क्या बोलते हैं सर? सर आके बताते साइड में रह के बताते, पूरा डाउट पूरा क्लियर करके आते। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे हमारे नए स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल आ सकते सर। ऐसा रिस्क नहीं आएगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बताइए कैसे आए थे, किसी का रिव्यू देख के आए थे? आज जो रिव्यू दे रहे हैं सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं? गलत तो नहीं दे रहे सर। गलत नहीं दे रहे हैं? चलिए आपको देख के कोई आना चाहे तो बिल्कुल सर आ सकता है। रिकमेंड करे बोल के आया सर। अच्छा कोई रिकमेंड किया था? उसको जाके अभी थैंक्स बोलता हूं, अभी उनको जाके थैंक्स बोलने आया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नारायण सर। नारायण जी कहाँ से हैं बताइए? गुजरात से हैं सर। तो देख सकते हैं हम लोग लाइव चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं? लाइव चल रहा है सर। लाइव चल रहा है? यस सर। है कोई इंस्टीट्यूट जो लाइव आता हो? ना सर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं अभी बताइए? सीपीयू रिबॉलिंग करके फिर से रिबॉलिंग कर रहे हैं? यस सर ब्लैक पेस्टेड। दिखाइए जरा बोर्ड हमारे व्यूअर्स को, दिखाइए दिखाइए जरा बोर्ड। कोई प्रिंट गया क्या आपसे? प्रिंट 3 निकल गए पर एनसी है सर। एनसी है? तो कैसे पता चला जरा बताइए? एनसी है सर ने बताया आपको कि ये एनसी प्रिंट होता है और ये लाइन का प्रिंट होता है? सर उनके पूरे ट्रेसिंग दिखाइए सर। पूरा दिखाया सर ने आपसे? तो कैसा लग रहा है ब्लैक पेस्टेड पे काम करके? बहुत बढ़िया सर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं? बिल्कुल बहुत सीखने मिलेगा और एकदम इजी ट्रिक सीखने मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको बुला के चाय पिलाते हैं फिर क्लास चालू कराते हैं? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा ऐसा नहीं है? नहीं। आपके पास कोई आना चाहते क्या बोलेंगे? बिल्कुल आए। क्या बोलेंगे हमारे देव सर के लिए? बहुत अच्छे सभी सर बहुत अच्छे हैं, एक हर एक चीज अच्छे से सिखाते हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर कर देते हैं। क्लियर करते हैं? ऐसा नहीं है डाउट में है तो डाउट में ही छोड़ देते हैं? नहीं 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 ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका डाउट में हो, अभी सब क्लियर है। चलिए ठीक है, ब्लैक पेस्टेड निकालने में अभी कोई दिक्कत आने वाली है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सतनाम जी। यस सर। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं? तो बताइए कैसा रहा अभी आपका हार्डवेयर 27 तारीख से लेकर आज 16 तारीख का क्लास, अभी तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा चल रहा है, पहले दिन से हमें जिस दिन क्लास दी उस दिन रीबॉलिंग की क्लास हुई थी जो दीपक सर और एमडी सर ने दी थी, उनका सिखाया हुआ आज भी काम आ रहा है। अच्छा। मतलब हर सेक्शन के लिए अलग अलग सर हैं, ये नहीं है कि एक ही टीचर सब कुछ सिखा रहे हैं, देव सर है उनका कुछ अपना सेक्शन अलग है,
अभी हम जब EMMC की क्लास आई तो मिलन सर वो सब एक से एक बढ़कर हैं। हम सोच रहे हैं जब जिन जिन की क्लास आ रही है वो एक से ऊपर एक है। अच्छा यस। तो कैसा रहा अभी तक का जो सफ़र, बात करें सतनाम जी आपका? बहुत अच्छा। अभी EMMC का दूसरा ही दिन है और खाली हमें सिर्फ ये रिबॉलिंग और पेस्ट ब्लैक पेस्टेड ही निकालना नहीं सिखा रहे, अभी UFI चलाना बता रहे हैं साथ के साथ। हमें ये भी पता चल गया हम EMMC निकाल के उसके बाद UFI में लगा के चेक कर सकते हैं कि उसकी कितनी हेल्थ है और क्या उसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है। अगर वाकई आगे प्रोसेस चलेगा, अभी 7 दिन की और क्लास बाकी है। दो ही दिन में बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अगर EMMC का खाली काम सीख जाएंगे तो इसी में लगता है सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अच्छा चलिए जरा दिखाइए अपना बोर्ड, आपसे कोई प्रिंट गया कि नहीं सतनाम जी? हाँ सर गया प्रिंट, मगर ऐसा है ना मैं कभी काम किया नहीं निकालना। अभी 5-6 दिन और निकालने हमारा NC जो भी प्रिंट उखड़ रहा है वो मेरे को लगता है कि यहीं पे खत्म हो जाएंगे। दुकान पे जाके कोई भी हम अपना प्रिंट किसी का भी डैमेज नहीं करने वाले। अच्छा सतनाम जी एक बात बताइए कि ये जो मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ आपको, हम देख सकते हैं कि हम लोग लाइव में भी हैं और लोग देखिए तो बताइए ये जो आप फीडबैक दे रहे हैं सतनाम जी ये क्या गलत दे रहे हैं? ऐसा नहीं, हमने नहीं, आपको दंपाया हो या फिर ये अपनी क्योंकि बिल्कुल अपनी तरफ से दे रहा हूँ क्योंकि मेरी अगर आप देखना चाहो तो पुराने लाइव भी देख सकते हो जहाँ पर मुझे डाउट था उसमें मैंने डाउटफुल रिव्यू दिया है। ऐसा नहीं कि हर रोज एक जैसा ही रिव्यू दे रहा हूँ, अच्छा ही अच्छा। तो जो आपकी डाउट थी सतनाम जी तो उस डाउट को आप हमने क्लियर किया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर किया। ऐसा नहीं आपका डाउट क्लियर ना करें और अगले दिन की क्लास आगे बढ़ा दी गई हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर रिव्यू मैंने तो अपनी ईमानदारी से रिव्यू दिए हैं, ऐसे कोई नहीं आपके जवाब में ये आकर नहीं दिए और किसी दूसरे को देख कर। आज क्या बोलना चाहेंगे आप? आज सर मिलन सर के लिए बहुत थैंक यू क्योंकि ब्लैक पेस्ट क्या मैंने तो दूसरा से आए अभी बिल्कुल ब्लैक पेस्टेड जो आपका है बोर्ड अभी अब बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है? नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है नॉर्मल लग रहा है सर। क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो नया स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए? आ सकते हैं बिल्कुल बिना किसी बेप्रभाव के आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं वो आए और सीखने को ना मिले उनका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा उनके साथ। अगर किसी को ब्लैक पेस्टेड, मैं तो खुद दूसरे बोल रहा हूँ कि मैंने तो सिंपल भी नहीं निकाला था तो एक बात बोलिए बताइए कि यहाँ के जो टीचर्स हैं ऐसा नहीं है स्टूडेंट को बुला लिया जाता हो 8 बजे और टीचर्स आते हों 9 बजे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मगर फिर भी स्टूडेंट का पहले आना बनता है और हम पहले ही आते हैं। और टीचर्स की बात करें तो टीचर्स आपसे पहले आते हैं? टाइमिंग होती है हर रोज़ की, हर टीचर की टाइमिंग बता देते हैं पहले ही कि इस टाइम को ये टीचर आना है तो उसी टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। टाइम से पहले आते नहीं आते हैं? आ जाते हैं सर टाइम से पहले आए ना, क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होती है। अगर 9 बजे बोला तो 9 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? भगवान महतो, बिहार से। बिहार से हैं आप तो बताइए कैसा रहा आपका अभी EMMC का जो दूसरे दिन की जो सफ़र है? बढ़िया रहा सर। अभी ब्लैक पेस्टेड पे ये जो काम कर रहे हैं कैसा लगा? सीपीयू का ब्लैक पेस्टेड निकाले उसको कटिंग करके सर अभी रिबॉल करेंगे। बढ़िया था सर, अभी तो हम जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं इसका। अभी 2 दिन हुआ है सर इसको करने के लिए, मगर बहुत मिलन सर स्ट्रिक्ट से बता रहे कि समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? यस सर सारी चीज़ें। यस ये जो 2 दिन की आपकी क्लास हुई है, अगर हमारे जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? आ सकते हैं बिल्कुल, यहाँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं उनका पैसा वेस्ट हो जाए? ना ना ऐसा बात नहीं सर। 2 दिन के क्लास में आप ब्लैक पेस्टेड पे काम करके कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है सर, क्योंकि मैं तो जानते नहीं थे ये कि कैसे ब्लैक पेस्टेड कौन सा होता है वो भी नहीं जानते थे, मगर यहाँ का पता चला है ब्लैक पेस्टेड। कोई प्रिंट गया कि नहीं गया ये बताओ? नहीं अभी नहीं गया सर, NC 3 गया है सर, NC गया है, 3 गया है, बाकी कोई प्रिंट नहीं गया। NC गया है? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी अपना बोर्ड जरा दिखाइए आपका NC गया है। देख सकते हैं आप लोग कि इनका बोर्ड क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो क्लीनिंग प्रोसेस में भी कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है कोई डाउट हो आपको और सर आपके डाउट को छोड़ देते हैं और क्लास आगे बढ़ा देते हैं? नहीं सर आराम से बताते हैं, जैसे हमें कल नहीं हो रहा था सर, खुद आए खुद हमारे यहाँ पे बैठे, उसके बाद खुद कैसे करना है सारा चीज़ बताए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार, बिहार से। राजीव जी बिहार से हैं तो बताइए कैसा रहा अभी तक का 27 तारीख से लेके 16 तारीख है सर? कैसा सफर? बढ़िया रहा सर, सुपर रहा। बढ़िया रहा जी सर। तो बताइए आपका ये जो क्या बोलते हैं आज दूसरे दिन की क्लास में आपने ब्लैक पेस्टेड ICU निकाला है कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। क्लीनिंग प्रोसेस की बात करें तो आपको एकदम सुपर सुपर जी सर। अब मलाई की तरह निकालेंगे ब्लैक पेस्टेड? मलाई की तरह निकालेंगे। चलिए हमारे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे?
बिल्कुल आए सर, आएगा कुछ सीख के जाएगा सर यहाँ से। ऐसा नहीं उनका पैसा वेस्ट चला नहीं सर, नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। भरोसा है एकदम? बिल्कुल सर। इसकी कौन भरोसा दे सकता है? हम दे सकते हैं। आप दे सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि मतलब बस अकेले आप ही निकाल रहे हैं कि बाकी भी स्टूडेंट? नहीं, सारा स्टूडेंट निकाल रहा है। सारा स्टूडेंट निकाल रहा है? किसी का ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी का प्रिंट उखड़ जा रहा हो तो लाइन का बॉल हो तो सर बोलते हुए एम सी, ऐसा नहीं? नहीं सर, नहीं। आपको डाटा शीट दी गई है? कोई आपका बॉल उखड़ जाता है तो आप पता कर सकते हैं? जी सर, खुद से मैच करना है, एम सी निकला है कि क्या निकला है सर, डाटा शीट दे दिए हुए चेक कर रहे हैं, निकाल के खुद हम लोग चेक कर रहे हैं। सर ने डाटा शीट दिया है? जी सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं? वेलकम है सर। वेलकम है, क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के टीचर्स के लिए? बहुत ही बढ़िया है सर, सब टीचर एक प्रेक है सर यहाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं? बिल्कुल है, पैसा वसूल। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा उनका? नहीं नहीं, पैसा वसूल करके जाएगा। पैसा वसूल करके जाएंगे, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पप्पू जी कहिए सर। बताइए, बिहार से हमारे पप्पू जी, दिखाइए जरा अपना शक्ल, दिखाइए, बिहार से आपको लोग देख रहे हैं। चेहरे की जो इनके चेहरे की चमक है देख सकते हैं, चेहरे की चमक इनको बता देगी कि कैसा खुश है कि नहीं है। बताइए, दो ही दिन का क्लास जो हुआ है आपका कैसा रहा? खुश है सर। हार्डवेयर से लेके बात करें, आपकी एमएमसी तक का सफर कैसा रहा? जो मेरा अंदर का जो भ्रम डॉट था वो मेरा आज क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, तो बताइए जो आपको देख के आना चाहता है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिंदास आवे, आने का मकसद है यहाँ मेहनत करें, तभी जाके सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। तो बताइए, की देख सकते हैं वीवो का बोर्ड है? हाँ, वीवो का, वीवो का ये जो बोर्ड है देख सकते हैं आप। हाँ, ऐसे भी क्लीन कर रहे हैं। ये कोई प्रिंट गया क्या आपका इसमें से? नहीं, एनसी केबल गया है। एनसी गया है? और बात करें आपकी स्क्रैच, कोई आईसी में स्क्रैच आई है क्या? नहीं। क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। क्लीनिंग प्रोसेस में कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है? सब कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है सर ने बताया आपको? सर टोटल बता दिए। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए? आवे बिंदास, और कोई टेंशन नहीं है, अगर ऐसा ऐसा ट्रिक दिया जाता है, अभी हम लोग तो ब्लैक पेस्ट को छूने भी नहीं चाहते, अभी तो लगता है कि उस साल के बराबर हो गया। पहले डर लगता था ब्लैक पेस्टेड का नाम सुनते? ब्लैक पेस्टेड की हमको ऐसी कलमे नहीं करते थे, छूते ही नहीं थे, छूते नहीं। और आप क्या करने वाले हैं? आप तो आईसी तो भुंजा की तरह जो है सो चिबा जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। विजय जी। हाँ जी सर। कहाँ से हैं? हरियाणा से सर। हरियाणा से सर। हरियाणा से। जरा अपना बोर्ड दिखाइए, आपका बोर्ड कौन से कंपनी का है? वीवो का सर। वीवो का है। एक बात बताइए, वीवो का, ओप्पो का, रियलमी का, वन प्लस का जो बोर्ड होता है, हार्ड होता है? लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता है। यस सर। अभी ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, आराम से फट गया सर। आराम से हो जाएगा? क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आएंगे तो कुछ सीखे जाएंगे, नहीं तो क्या है? ऐसा नहीं पैसा वेस्ट हो जाएगा ना? वेस्ट काम है, अब सीखे जाएगा, पैसा पूरा हो जाएगा उनका। ग्लू क्लीनिंग में कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई नहीं सर। सर ने कितना हीट रखना है, कितना एयर रखना है, सब बता दिया सर। सब बताया सर। कौन सा टूल यूज करना है, कौन सा स्क्रैपर यूज करना है, आपको सारी चीज़ें बताई हैं? सब बताया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। बढ़िया सर। क्या नाम है? सुमन। बड़ा तेज बोलिए सुमन जी। सुमन खत्री। कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। मणिपुर से? मणिपुर से हैं। तो बताइए, ये एमएमसी का आज कौन से दिन का क्लास है आपका? आज सेकंड दिन। सेकंड दिन के क्लास में आपने क्या निकाला? सीपीयू सर। सीपीयू। पहले दिन में क्या निकाला था? एमएमसी। कोई प्रिंट गया था क्या? नहीं। कितना हीट रखना, कितना यार रखना सर ने बताया? हाँ सर। अगर कोई प्रिंट चला जाता तो सर ने उसका तरीका बताया कि ये प्रिंट एनसी है या फिर लाइन का है? बताया? कैसा लग रहा है अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम करके आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे अगर कोई मणिपुर से आना चाहे तो? कोई आना चाहे तो बिंदास आए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, आना चाहिए। पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, 10 दिन में पूरा 10 दिन में ही पैसा वसूल हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रीमान छेत्री है, मैं मणिपुर से हूँ। श्रीमान जी, तो आप मणिपुर से हैं, तो बताइए आज आपका कितने दिन का क्लास हुआ एमएमसी का? हमारा जी एमएमसी का सर दूसरे दिन का क्लास है। दूसरे दिन का क्लास है? हाँ सर। तो दूसरे दिन के क्लास में आपने क्या किया जरा बताइए हमारे व्यूवर्स को। मैंने सर आज सीपीयू निकाला, ब्लैक पेस्टेड। ब्लैक पेस्टेड आपने जो सीपीयू निकाला है तो दिखाइए जरा अपना ब्लैक पेस्टेड जो सीपीयू निकाला है आपने। जी सर, अभी इसका ग्लू कटिंग हो रहा है। ग्लू कटिंग कर रहे हैं आप, तो क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, इतना बढ़िया क्लीनिंग प्रोसेस। और बोर्ड दिखाइए जरा, बोर्ड कल एमएमसी निकाला था, एक में अभी सीपीयू।
तो जो आपने ईएमएमसी निकाला था है ना, उसका ईएमएमसी मतलब सही निकाला था या खराब से निकाला था आपने? सर सही निकाला था। कोई प्रिंट गया था क्या? नहीं सर, प्रिंट नहीं गया। अभी आगे अगर ऐसा नहीं है कि पहले दिन में आप जो कर रहे हैं आप आगे ना कर पाए? सर ऐसा है, अभी जैसे मैं पहले जो दूसरा बिना ब्लैक पेस्टेड का जो नॉर्मल सीपीयू आईसी निकाल रहा था उस टाइम मुझे थोड़ा सा मतलब में दिक्कत हो रही थी, लेकिन आगे क्लियर हो गया था। मुझे डर लग रहा था कि ब्लैक पेस्टेड में शायद मुझे फिर और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इतना आसान कर दिया सर ने कि क्या बताएं सर, बहुत जल्दी निकल गया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपसे बुलवा रहा हूँ? नहीं नहीं सर, मैं अपना खुशी से बोल रहा हूँ। आप खुद का फीडबैक दे रहे हैं? आप भी किसी का जो फीडबैक देखते आए थे तो वो सही था या गलत था? एकदम सही था सर। सही था तो आप उस मतलब जिसका फीडबैक आप देख के आए थे, आज आप खुद अपना फीडबैक जो दे रहे हैं है ना, तो अभी आपको देख के अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलेंगे उसके लिए? सर अगर कोई ऐसे कोई मोबाइल सीखना चाहते है मतलब जो चिप लेवल तक के, तो अगर दूसरा इंस्टीट्यूट में ना जाकर यहाँ आ गए तो मतलब उसका जो रिजल्ट है मतलब 120% हो जाएगा। 100% उसको रिजल्ट मिलेगा? 100 से ज़्यादा मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आए और उसका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं 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 सर, अब इतने हम लोग सारे का वेस्ट नहीं हो रहा, तो उसका अकेला थोड़ी वेस्ट होगा सर। क्या बोलना चाहेंगे अगर जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं? अगर नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो यहाँ पे मतलब जितने भी मतलब यहाँ पे जो जैसे ईएमएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बढ़िया ही बढ़िया है, क्योंकि ये सबसे अभी मार्केट में सबसे दिक्कत की काम है ये। इसमें तो मतलब इतना सा रिजल्ट मिलेगा, प्रेशर को भी मतलब यहाँ पे पूरा मतलब मास्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर कहीं आपको डाउट हो जाता है और डाउट में आपको छोड़ दिया जाता हो? नहीं नहीं सर, यहाँ पे अगर 1000 बार भी अगर पूछ लेंगे, और हम पूछते भी है सर, और सबसे ज़्यादा तो मैं पूछता हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब इतना प्यार से समझाते हैं, और एक ट्रिक है, टेक्निक है सर, कि जैसे अभी मैं बता दिया कि ब्लैक पेस्टेड मुझे इतना आसान से निकाल दिया कि मैंने सोचा भी नहीं था सर। चलिए ठीक है, कैसा लग रहा अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले डर लगता था ब्लैक पेस्टेड पे काम करने के लिए आपको? सर मैं तो सोच रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा सर, कर नहीं पाएंगे, पहले ऐसा लगता था? ऐसा लग रहा था। अब क्या लग रहा है? आप सर बहुत खुश हैं सर। चलिए ठीक है, अगर आपको देख के कोई आना चाहता है तो क्या बोलेंगे उसके लिए? मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे जरूर आ जाए सर। आ जाए, बहुत लोग मन में सोच रहे होंगे कि कहाँ जाए आए, लेकिन बिना कुछ सोचे यहाँ आ जाए सर। आ जाए? हाँ जी। भरोसा कर सकता है कोई आपको? पक्का सर। पक्का? नहीं तो मेरा जमीन अब उनका नाम कर दूंगा सर अगर। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी कि अपनी जमीन आपने आपके नाम कर देंगे अगर वो काम सीख के याद नहीं गया तो। यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कौन बोला है सर? श्रीमान बोला। हाँ सर। क्या नाम है? रवि। रवि महाराष्ट्र से? यस सर। बताइए क्या किया आपने? आज सीपीयू किया सर, आज ईएमएमसी किया। इधर देखिए जरा कैमरे में अपना स्मार्ट शक्ल दिखाइए और स्मार्ट स्टूडेंट जो है उनको भी बताइए कि क्या सर आपका दो दिन का ईएमएमसी का क्लास चला? बहुत बढ़िया। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया आपने? यस सर। कर दिया सर। कर दिया? हाँ। अभी बताइए अभी जो शाम का जो क्लास है आपका प्रैक्टिकल आईसी ब्लैक पेस्टेड निकालने का जो क्लास है आपका? हाँ सर। तो आपने निकाला ब्लैक पेस्टेड? निकाला सर। निकाला? कोई प्रिंट गया? एक भी नहीं गया। एक भी नहीं गया? झूठ तो नहीं बोल रहे? देख लो सर। देख लो भैया सही बोल रहे हैं। बोर्ड दिखाइए जरा, बोर्ड दिखाइए हमारे व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, तो देख सकते हैं इनका एक भी प्रिंट नहीं गया। वाह वेरी गुड। क्या बोलना चाहेंगे? दो ही दिन के क्लास में आपने सीपीयू निकाला ब्लैक पेस्टेड। हम अभी क्या बोल सकते हैं मिलन सर को? क्या सर यहाँ के जो टीचर जो हैं, यहाँ के हम बात करें देव सर की, बात करें दुर्गेश सर की, बात करें एमडी सर की, सारे टीचर्स यहाँ के कैसे हैं? अभी क्या बोलना सर, अभी बोल नहीं सक रहे, उतना है दिल में है ना। बहुत बढ़िया है सर, सपोर्ट मिलता है एकदम। अगर ऐसा कोई आपको कहीं डाउट हो जाता है तो डाउट के लोग क्या आपको क्या बोलते हैं सर? सर आके बताते साइड में रह के बताते, पूरा डाउट पूरा क्लियर करके आते। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे हमारे नए स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल आ सकते सर। ऐसा वेस्ट नहीं आएगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आप बताइए कैसे आए थे, किसी का रिव्यू देख के आए थे? आज जो रिव्यू दे रहे हैं सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं? गलत तो नहीं दे रहे सर। गलत नहीं दे रहे हैं? चलिए आपको देख के कोई आना चाहे तो? बिल्कुल सर आ सकता है। रिकमेंड भरोसा कर ले, दूसरे रिकमेंड करे बोल के इधर आया सर। अच्छा कोई रिकमेंड किया था? उस पे जाके अभी थैंक्स बोलता, अभी उनको जाके थैंक्स बोलने आए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नारायण सर। नारायण जी कहाँ से हैं बताइए? गुजरात से हैं सर। तो देख सकते हैं हम लोग लाइव चल रहे हैं, लाइव चल रहे हैं, लाइव चल रहा है सर। लाइव चल रहा है? यस सर। है कोई इंस्टीट्यूट जो लाइव आता हो? ना सर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हैं अभी बताइए? सीपीयू रिबॉलिंग करके फिर से सीपीयू रिबॉलिंग कर रहे हैं? यस सर। ब्लैक पेस्टेड दिखाइए जरा, बोर्ड हमारे व्यूवर्स को दिखाइए, दिखाइए जरा बोर्ड। कोई प्रिंट गया क्या आपसे? प्रिंट 3 निकल गए पर एनसी है सर। एनसी है? कैसे पता चला जरा बताइए? एनसी सर ने बताया आपको कि ये एनसी प्रिंट होता है और ये लाइन का प्रिंट होता है? उनके पूरे ट्रेसिंग दिखाइए, पूरा दिखाया सर ने।
तो कैसा लग रहा है ब्लैक पिस्टेट पे काम करके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे नए स्टूडेंट आना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत सीखने मिलेगा और एकदम इजी ट्रिक सीखने मिलेगी। ऐसा नहीं है आपको बुला के चाय पिलाते हैं फिर क्लास चालू कराते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं। आपके वहाँ को जाना चाहते क्या बोलेंगे? बिल्कुल आए। क्या बोलेंगे हमारे देव सर के लिए? बहुत अच्छे, सभी सर बहुत अच्छे हैं, एक हर एक चीज अच्छे से सिखाते हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर कर देते हैं। क्लियर करते हैं? ऐसा नहीं है डाउट में है तो डाउट में ही छोड़ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका डाउट में हो, सब क्लियर है। चलिए ठीक है, ब्लैक पेपर निकालने में भी कोई दिक्कत आने वाली है क्या? कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सतनाम जी। यस सर। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं तो बताइए कैसा रहा अभी आपका हार्डवेयर 27 तारीख से लेकर आज 16 तारीख का क्लास, अभी तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा चल रहा है। पहले दिन से हमें जिस दिन क्लास थी उस दिन रीबॉलिंग की क्लास हुई थी, जो दीपक सर और एमडी सर ने दी थी, उनका सिखाया हुआ आज भी काम आ रहा है। अच्छा। मतलब हर सेक्शन के लिए अलग अलग सर हैं, ये नहीं है कि एक ही टीचर सब कुछ सिखा रहे हैं। देव सर है, उनका कुछ अपना सेक्शन अलग है। अभी हम जब EMMC की क्लास आई तो मिलन सर, वो सब एक से एक बढ़कर हैं। हम सोच रहे हैं जब जिन जिन की क्लास आ रही है वो एक से ऊपर एक है। अच्छा, यस। तो कैसा रहा अभी तक का जो सफ़र, बात करें सतनाम जी आपका? बहुत अच्छा, अभी EMMC का दूसरा ही दिन है और खाली हमें सिर्फ ये रिबॉलिंग और पेस्ट ब्लैक पेस्टड ही निकालना नहीं सिखा रहे, अभी UFI चलाना बता रहे हैं साथ के साथ। हमें ये भी पता चल गया है हम EMMC निकाल के उसके बाद UFI में लगा के चेक कर सकते हैं कि उसकी कितनी हेल्थ है और क्या उसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है। अगर बाकी आगे प्रोसेस चलेगा, अभी 7 दिन की और क्लास बाकी है। अभी 2 ही दिन में बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अगर EMMC का खाली काम सीख जाएंगे तो इसी में लगता है सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। अच्छा, चलिए अजरा दिखाइए अपना बोर्ड, आपसे कोई प्रिंट गया है कि नहीं सतनाम जी? हाँ सर गया प्रिंट, मगर ऐसा है ना मैं कभी काम किया नहीं। वो मेरे को लगता है कि यहीं पे खत्म हो जाएंगे। दुकान पे जाके कोई भी हम अपना प्रिंट किसी का भी डैमेज नहीं करने वाले। अच्छा सतनाम जी एक बात बताइए कि ये जो मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूँ, आपको हम देख सकते हैं कि हम लोग लाइव में भी तो बताइए ये जो आप फीडबैक दे रहे हैं सतनाम जी, ये क्या गलत दे रहे हैं? ऐसा नहीं, हमने नहीं, आपको दबाया हो या फिर ये अपनी बिल्कुल अपनी तरफ से दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी अगर आप देखना चाहो तो पुराने लाइव भी देख सकते हो, जहाँ पर मुझे डाउट था उसमें मैंने डाउटफुल रिव्यू दिया है। ऐसा नहीं कि हर रोज एक जैसे रिव्यू दे रहा हूँ, अच्छा ही अच्छा। तो जो आपके डाउट थे सतनाम जी, तो उस डाउट को आप हमने क्लियर किया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर किया। ऐसा नहीं आपका डाउट क्लियर ना करे और क्लास आगे बढ़ा दी गई हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर रिव्यू मैंने तो अपनी ईमानदारी से रिव्यू दिए हैं, ऐसे कोई नहीं आपके दबाव में या करने दिए और किसी दूसरे को देख कर। आज क्या बोलना चाहेंगे आप? आज सर मिलन सर के लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि ब्लैक पेस्ट क्या मैंने तो दूसरा से आए ब्लैक पेस्टेड जो आपका है बोर्ड, अभी आप बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है? नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है नॉर्मल लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो नया स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए? आ सकते हैं बिल्कुल, बिना किसी बेप्रभाव के आप आ सकते हैं। ऐसा नहीं वो आए और सीखने को ना मिले, उनका पैसा वेस्ट हो जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उनके साथ। अगर किसी को ब्लैक पेस्टेड, मैं तो खुद दूसरे बोल रहा हूँ कि मैंने तो सिंपल भी नहीं निकाला था तो ब्लैक पेस्टेड। एक बात बोलिए बताइए कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट को बुला लिया जाता हो 8 बजे और टीचर्स आते हों 9 बजे? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मगर फिर भी स्टूडेंट का पहले आना बनता है और हम पहले ही आते हैं। और टीचर्स की बात करें तो टीचर्स आपसे पहले आते हैं? टाइमिंग होती है हर रोज़ की, हर टीचर की टाइमिंग बता देते हैं पहले ही कि इस टाइम को ये टीचर आना है, तो उसी टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। टाइम से पहले आते नहीं आते? आ जाते हैं सर, टाइम से पहले आए ना क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट होती है। अगर 9 बजे बोला तो 9 बजे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? भगवान महतो, बिहार से। बिहार से हैं आप तो बताइए कैसा रहा आपका अभी EMMC का जो दूसरे दिन की जो सफ़र है? बढ़िया रहा सर, अभी ब्लैक पेस्टेड पे ये जो काम कर रहे हैं कैसा लगा? ब्लैक पेस्टेड निकाले उसको कटिंग करके सर अभी रिबॉल करेंगे, बढ़िया था सर। अभी तो हम जानते नहीं थे, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं इसका। अभी 2 दिन हुए सर इसको करने के लिए, मगर बहुत ऑनलाइन सर स्ट्रिक्ट से बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। सारी चीज़ें ये जो 2 दिन की आपकी क्लास हुई है, अगर हमारे जो नए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? आ सकते हैं बिल्कुल, यहाँ आ सकते हैं, ऐसा नहीं उनका पैसा वेस्ट हो जाए? ना ना ऐसा बात नहीं है सर। 2 दिन की क्लास में आप ब्लैक पेस्टेड पे काम करके कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया लग रहा है सर, क्योंकि मैं तो जानते नहीं थे ये कि कैसे ब्लैक पेस्टेड कौन सा होता है वो भी नहीं जानते थे, मगर यहाँ का पता चला है ब्लैक पेस्टेड। कोई प्रिंट गया कि नहीं गया ये बताओ? नहीं अभी नहीं गया सर, EMMC 3 गया है सर, EMMC गया है, 3 गया है, बाकी कोई प्रिंट नहीं गया। EMMC गया है?
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी अपना बोर्ड जरा दिखाइए, आपका एनसी ही गया को देख सकते हैं आप लोग कि इनका बोर्ड क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो क्लीनिंग प्रोसेस में भी कोई दिक्कत है क्या? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है कोई डाउट हो आपको और सर आपके डाउट को छोड़ देते हैं और क्लास आगे बढ़ा देते हैं। नहीं सर, आराम से बताते हैं, जैसे हमें कल नहीं हो रहा था, सर खुद आए, खुद हमारे यहाँ पे बैठे, उसके बाद खुद कैसे करना है सारा चीज़ बताए, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार, बिहार से। राजीव जी बिहार से हैं, तो बताइए कैसा रहा अभी तक का 16 तारीख से लेके 27 तारीख से लेके आज 16 तारीख है सर, कैसा सफर? बढ़िया रहा सर, सुपर रहा। बढ़िया रहा जी सर। तो बताइए आपका ये जो क्या बोलते हैं आज दूसरे दिन की क्लास में आपने ब्लड टेस्टेड आईसी जो निकाला है, कैसा रहा? बढ़िया रहा सर। क्लीनिंग प्रोसेस की बात करें तो आपको एकदम सुपर सुपर रहा जी सर। अब मलाई की तरह निकालेंगे ब्लड टेस्ट, मलाई की तरह निकालेंगे। चलिए हमारे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या बोलना? बिल्कुल आए सर, आएगा कुछ सीख के जाएगा सर यहाँ से। ऐसा नहीं उनका पैसा वेस्ट चला नहीं सर, नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। भरोसा है सर? बिल्कुल सर। इसकी कौन भरोसा दे सकता है? हम दे सकते हैं। आप दे सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि मतलब बस अकेले आप ही निकाल रहे हैं कि बाकी भी स्टूडेंट? नहीं, सारा स्टूडेंट निकाल रहा है। सारा स्टूडेंट निकाल रहा है? किसी का ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी का प्रिंट उखड़ जा रहा हो तो लाइन का बॉल हो तो सर बोलते हुए एनसी, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, मैं आपको डाटा शीट दी गई है, कोई आपका बॉल उखड़ जाता है तो आप पता कर सकते हैं? जी सर, खुद से मैच करना है, एनसी निकला है कि क्या निकला है सर, डाटा शीट दे दिए हुए, चेक कर निकाल के खुद हम लोग चेक कर रहे हैं। सर ने डाटा शीट दिया है? जी सर। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं? वेलकम है सर। वेलकम है, क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के टीचर्स के लिए? बहुत ही बढ़िया है सर, सब टीचर एक प्रेयर है सर यहाँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इस नंबर की बेच हो कि नहीं हो भाई? क्या क्लास थी आज हमारी? क्या था सीपीयू? तो सीपीयू नॉर्मल था कि ब्लैक पेस्टेड था? कोई सा ब्लैक पेस्टेड बचा है क्या? कल क्या था हमारा? कल मिम्सी थी, आज क्या था? किसने करा? हाथ खड़े करके बताओ, कोई बचाएगा इसमें से? नहीं सर। कोई नहीं बचा? नहीं नहीं। भाई कैसा पॉसिबल है ये? एशिया टेलीकॉम पॉसिबल है। क्लास आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, समझ में आया सब कुछ? सर ट्रांसफर कैसे लिख के आता है और बैकअप कैसे? सर आज का बहुत जबरदस्त लगा है, बहुत जबरदस्त है सर। हमेशा बोलता हूँ कि क्लास जो भी होता है ना डे बाय डे और एक्सटेंड हो रहा है, अच्छा बढ़ता जा रहा है, उसी टाइप से नॉलेज भी जो है ना डे बाय डे इंक्रीज होता है। क्लास में कोई चीज रिपीट हो रही है क्या? नहीं नहीं नहीं। और हमारा प्रोटोकॉल है जब तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा हम क्लास आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो चीज आज तक हुई है क्या? नहीं सर। हुई है क्या? नहीं सर। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा यहाँ पे? मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, दीप बताइए। सर क्लास सर ये क्लास आज की? सर क्लास बहुत बढ़िया। पॉइंट क्या था क्लास का? सर ये डिटेक्शन और बैकअप। डिटेक्शन और बैकअप साथ में क्या था सर? हार्डवेयर में क्या किया आपने? हार्डवेयर में पेस्टेड सीपीयू किया आज, पेस्टेड जो सीपीयू है एमएमसी है वो निकाली और लगाई भी। बात तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ, पूरी क्लास की बात सर। पूरी क्लास ने किया है, पूरी क्लास। ब्लैक पेस्टेड का सर रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, यहाँ आने से पहले ब्लैक पेस्टेड पे काम नहीं करते, ब्लैक पेस्टेड अगर आया तो फिर वापस, क्योंकि उसमें ट्रैक्स निकल जाती थी, एक दो बार निकाल के देखा है, ऑफकोर्स निकाल के देखा है तो बोर्ड्स वगैरह डैमेज हो जाते थे, लेकिन जो वे बताया है सर ने, जैसा करके बताया है उन्होंने, पहले बताया फिर हम लोगों से करवाया है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सबका ही डन हुआ, सबका डन हुआ, सबका डन हुआ, सबका डन हुआ। बेबी स्टेप में बताया कि वो तो चाइनीज लैंग्वेज में बताया है सर, एकदम इजीली बताते हैं, इजी बताया है, समझाते अच्छे से। और सर का अच्छा क्या है ना कि पूरा सबके पास में जाके देखते हैं क्या कौन क्या गलत कर रहा है, आयरन अगर तुम गलत पकड़ रहे हो सही से पकड़ो, लोअर कैसे पकड़ना चाहिए, कितना हीट कितना एयर रहना चाहिए, सब कुछ। और ईएमएमसी की अगर बात करूँगा ना तो क्लास बोलने को दो वर्ड्स हैं लेकिन बहुत बड़ी बात है, एक वर्ड एक एक वर्ड बोल के अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जितेंद्र कैसा रहा ओवरऑल क्लास आज का? बहुत अच्छा रहा सर। कोई रिपीट वाली चीज हो रही है क्या तुम्हारे को? नहीं सर, लेटेस्ट रोज नई चीज सीखने को मिलता है। कैसा रहा भाई क्लास आज आपका? क्लास बहुत बढ़िया था, एक नंबर था, सबसे अच्छा मिलन सर का, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, उनका हैंड स्किल इतना अच्छा है और वो इतना दिन का एक्सपीरियंस पूरा हम लोग को आज
और दो दिन में अपना पूरा एक्सपीरियंस हम लोग को दे रहे हैं कि हाथ को कैसे रखना है, ब्लोअर को कैसे पकड़ना है, ट्यूजर को कैसे पकड़ना है, जैसे अब्दुल्ला बोला हर चीज एकदम बने बारीक बारीक से, और एक एक बच्चा के पास जाके भी बता रहे, खुद तो कर रहे हैं फिर हम लोग के पास जाके भी दिखा। आपने एमएमसी करा, सीपीयू करा, दोनों दिन में कितना फर्क है तुम्हारे हैंड स्किल? सर कल थोड़ा सा मन दुख था क्योंकि दो तीन मेरा एनसी का लाइन टूटा था सर, बोले की एनसी का लाइन है कोई प्रॉब्लम नहीं, आज की बात करो, तो फिर भी हमको थोड़ा सा मन दुख था। आज दो दो बार निकाले, एक भी एनसी का पॉइंट भी नहीं निकला कि कोई दूसरा पॉइंट भी नहीं निकला, तो बहुत अच्छा लगा। इसी काम को 25 बार करोगे तो फिर क्या होगा? अब जितना बार भी करेंगे तो कुछ टाइम का ड्यूरेशन कम होगा। अगर कोई काम आप आधी घंटे में कर रहे हो तो 15 मिनट में होगा, 10 मिनट में, और 50 बार करोगे तो कितनी देर में हो जाएगा? 10 मिनट में हो जाएगा सर। होगा कि नहीं होगा भाई? टीवी वाला नॉलेज मिल रहा है क्या? नहीं सर, यूट्यूब वाला नॉलेज मिल रहा है क्या? नहीं प्रैक्टिकल सर, बिल्कुल पता नहीं, नई नई चीजें मिल रही है जी बिल्कुल, मतलब कोई रिपीट चीजें तो नहीं मिल रही जो मतलब परसों से सुनते आ रहा है चला आ रहा है? नहीं सर बिल्कुल वो चीज तो नहीं मिल रही है। ठीक बताइए सर ने, और बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ब्लैक बिस्किट में कोई हमको तकलीफ होगी क्या? नहीं अब नहीं होगी, पहले थी लेकिन अब जो है बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है अर्षद, बताइए कैसा रहा क्लास आज? सर आज का क्लास एकदम बढ़िया रहा सर। क्या चीज आपको अट्रैक्टिव लगी, क्या सबसे बढ़िया चीज क्या लगी आपको? सर का सिखाने का तरीका सर, यानी एमएमसी के सर जैसे सर ने आपको बताया सर, और सर ने जो आईसी निकालने का बताया ब्लैक टेस्टेड सर, तो उसका सर एकदम अच्छा लगा सर, यानी एकदम आसानी से निकला सर। पहले दिन थोड़ा सा हार्ड गया था क्योंकि वो हमने थोड़ा सा देखा, यानी हमारी गलती थी देखने में, तो सर ने वापस से वो रिपीट किया है क्या किस तरह से पकड़ना है कैसा क्या करना है, तो सर मैंने आज किया ना तो एकदम ईजिली निकला है मेरे। लेटेस्ट ज्ञान मिल रहा है आपको? और मैंने आज ब्लैक टेस्टेड एमएमसी और सीपीयू विदाउट बॉल उसके बनाया, रिबोल के या फिर उस सीपीयू को लगाया भी। रिजल्ट मिला उसका? बिल्कुल सर, पहले तो मैं ब्लैक प्रेशर दूर से नमस्ते करता था, अच्छा पैक करके वापस ही दे देता था, तो अब तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं खुद में रहती। दो दिन में आपका हैंड स्किल बढ़िया हो गया, प्रॉपर आ गया, तरीका आपको सही आ गया। अब इसी काम को घर जाके 25 बार करोगे तो क्या होगा? सर 10-15 मिनट में आराम से करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जो सबसे अच्छी चीज लगी आपको? सीपीयू ब्लैक प्रेशर निकालना। अच्छा, बहुत जबरदस्त लगी सर, इतना अच्छा से बताएं कि अब उस पर जब स्क्रैपर रखते हैं ना तो लगता है मक्खन के जैसे कट रहा है, मक्खन के जैसे कट रहा है। तुमने जो यहाँ पे फीस दी है वो फीस वसूल हुई कि नहीं हुई? मैं तो आज ही बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारी 24 तारीख तक की क्लास है, कंप्लीट हो गई है सर। कब की देवरत्न अग्रवाल सर के जो क्लास थे वो खत्म हुए, तो हार्डवेयर का जो नॉलेज है इंडिया में मुझे नहीं लगता किसी पर्सन के पास होगा मोबाइल के बारे में। अगर फ्यूचर में भी कोई मोबाइल बन रहा है तो उसके ढेर दिखाया जाए अभी से तो बता सकते हैं कि ये सर जितना तारीफ करे उतना ही कम है। अच्छा, क्या बहस क्या लगा आज? बहस क्या लगा? बहुत कुछ सर। सर मेरे पास यही डिटेक था, सर को बोले हाँ सर क्या करेंगे, बोला कि EOFI ले लो उससे तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इजी डिटेक जो कर रहे थे यूट्यूब में बहुत सारा बूट टू सुने थे, लेकिन यूजर डाटा EHT CSD फाइल क्रिटिकल फाइल नॉर्मल फाइल ये सब एकदम जानकारी नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ सर, तुम्हारा इजी जेटेक सस्ते दामों में बिकवा देंगे, गारंटी है ना सर। ऑल इन वन में बात करूँ तो सर एक मूवी थी सर हैरी पॉटर, सर बचपन में सब लोगों ने देखी होगी सर, तो सर जैसे जैसे उनके दिन बीत रहे थे और सर उन्हें नई नई जादू की टेक्निक मिली थी ना सर, सेम हमें ऐसी मिल गई सर। हैरी पॉटर का ही सीन यहाँ हो रहा है सर कि मतलब जैसे जैसे मतलब रोज ही सर नई नई टेक्निक नई नई जादू की विद्या होती है ना सर, वो चीज़ सर यही है सर। और क्या बात चल रही है? थैंक यू वेरी मच। बताइए सर आज सीपीयू की क्लास थी रिवॉल्विंग, वो भी ब्लैक टेस्टेड फर्स्ट क्लास क्लास थी और बहुत बढ़िया क्लास रही सर। स्पेशली में क्या लगा तुमको? स्पेशल में सर ब्लैक पेस्टेड सीपीयू ऐसे निकालना, और अगर वो रीड है तो सर मैं मिलन सर को ये बोलना चाहता हूँ कि सर वो इतनी बढ़िया टेक्निक है उनका और उसका जो हैंड स्किल ना, तो अगर कोई ताबीज तो नहीं पहनेगा उन्होंने इतना जादूगर बोलते भाई। अभी आपको पेस्टेड सीपीयू निकालने लगाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, अभी आएगा तो निकाल दोगे? बिल्कुल सर। मैं बात करूँ वन प्लस की? मैं अभी काम में दिखाऊंगा सर, काम में करके दिखाओगे? चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी सर, राजीव। हाँ राजीव जी सर, बताइए भाई बिहार से हो आप? जी सर। बताइए कैसा रहा क्लास? बहुत ही बढ़िया रहा। ओवरऑल सब बढ़िया सर। इसके सर मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं?
आपका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? एमआई वाई वन है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं।